गर्मी के मौसम में इस तरह से कई तरह की बीमारियां फैलती है, लेकिन कई बार बुखार का संक्रमण बहुत ज्यादा होने लगता है। बुखार आता है, फिर चढ़ता है, उसके बाद कम उसका टेम्परेचर नहीं होता है, यानी कि 10-15 दिन के अंदर बुखार आता रहता है, या फिर गर्मी के अंदर अचानक से आपका शरीर में दर्द होकर गर्माहट होकर के बुखार आ गया है। तो उसके लिए आप ऐसी कौन सी रेमेडी अप्लाई करें जिससे कि आपका बुखार जड़ से बिल्कुल ठीक हो जाए और जो शरीर के अंदर और भी काफी सारी बीमारी आई है वह भी बिल्कुल ठीक हो जाए। गर्मी में बुखार आने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण होता है सरद गर्म हो जाना। अगर किसी भी व्यक्ति को धूप में जाकर आए हैं और अचानक से उनको पानी पी लिया ठंडा, या फिर कुछ ऐसा एसी के अंदर बैठ गए हैं, तो सरद गर्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। और गर्मी के अंदर घर पर भी आपको इस प्रकार से सरद गर्म हो सकता है, चाहे आप बाहर ना जाए। तो सरद गर्म हो गया है और उसकी वजह से अचानक से शरीर के अंदर थकावट आ गई है और बुखार महसूस हो रही है। अगर किसी भी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम काफी वीक होता है और गर्मी के दौरान हम देखते ही है कि बहुत ज्यादा वीक होने लगता है, क्योंकि वात पित्त और कफ तीनों ही दोष जो होते हैं गर्मी के अंदर काफी ज्यादा असंतुलित होने लगते हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर तीनों दोषों के अंदर अगर पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वात दोष अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि फीवर के चांस बढ़ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लू लग गई है, लू लगना यानी कि गर्मी के अंदर आप बाहर जाके आए हैं, गर्म गर्म हवाएं आपको लगी है जिसके कारण आपका बुखार चढ़ गया है। ये बुखार के साथ में और भी कई तरह के लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे अचानक से दस्त लग जाती है, उल्टी होने लगती है, सिर के अंदर दर्द महसूस होने लगता है, या फिर आपके पूरे शरीर के अंदर जलन महसूस हो सकती है, हाथ पैरों के तलवों में जलन हो सकती है, और थ्रोट इन्फेक्शन भी होने लगते हैं जिसके अंदर गले में खराश होने लगती है, अचानक से दर्द होने लगता है, सूजन आने लगती है, कई बार आंखों में जलन होने लगती है और शरीर पर इस प्रकार से दाने से निकलने लगते हैं। खांसी का संक्रमण भी इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो शरीर में काफी ज्यादा थकावट लग रही है, आलस्य आ रहा है, शरीर में कमजोरी है और दर्द भी है, तो वे सारे लक्षणों पर भी यह रेमेडी काम करेगी। अगर आपको किसी भी कारण से ये समस्या हो रही है कि बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा है, बुखार दिन भर दिन आपका बढ़ रहा है, साथ में ये सारे लक्षण भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए। दिन के अंदर आपको 3 बार इस रेमेडी का यूज करना है। यह रेमेडी बहुत ही आसान है। तुलसी के पाउडर की बात मैं कर रही हूँ। तुलसी का पाउडर घर पर भी आप बना सकते हैं और बाजार में भी बना बनाया मिल जाता है। आपको क्या करना है, घर पर बनाते हैं तो जो सूखे हुए तुलसी के पत्ते होते हैं उनको आपको तोड़ लेना है या फिर उनको इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद में उसका पाउडर बन जाता है। इसे आप एयरटाइट डिब्बे के अंदर भर करके कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास तुलसी के पाउडर घर पर नहीं है, नहीं बना सकते हैं, तो बाजार में भी तुलसी का पाउडर अवेलेबल रहता है। आपको क्या करना है, 1 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखना है, उसमें 1/2 छोटा चम्मच तुलसी का पाउडर डाल देना है। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं डालना है। पानी को अच्छे से बॉईल करना है और इसे सुबह सुबह खाली पेट 1 खुराक ले लेना है। 1 कप बनाना है और पूरा इसको आपको लेना है। जैसे आपको इसको दिन में 3 बार लेना है, तो सुबह सुबह आपने खाली पेट ले लिया, दिन में आप खाना खाए उससे पहले थोड़ी देर पहले आप इसका सेवन कर लीजिए, और शाम को रात को जब सोने जाए तब इसका सेवन आप करिए। 3 बार इस पानी को बना करके आपको लेना है। तुलसी एंटी बैक्टेरियल होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है, एंटी फंगल होती है, इसमें काफी सारे विटामिन्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुलसी का सेवन हम किसी भी मौसम में कर सकते हैं। 12 महीने हम तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। यह हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाती है, हेल्दी बनाती है और शरीर की सारी कमजोरी को भी दूर करती है। तो इस पानी को बनाकर दिन में 3 बार आप लेंगे तो आपके अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो लू लग गई है वह बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आपको सरद गर्म के कारण ये दिक्कत हुई होगी तो यह उससे बिल्कुल सही हो जाएगी। तो तुलसी के पानी को आपको दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। इसी के साथ में जब बुखार किसी व्यक्ति को आता है तो गर्मी में आपको क्या करना है, ठंडी पट्टी सिर पर जरूर करनी है। यह आपको लगातार तब तक करनी है जब व्यक्ति रोगी को इस प्रकार से बुखार आ रहा है और उसका सिर बहुत ज्यादा तप रहा है, तो आप इस प्रकार से ठंडी पट्टी करते रहिए जिससे उनका शरीर का तापमान कम होगा और बुखार बिल्कुल सही होगी। पानी बॉईल करके दीजिए, क्योंकि पानी की वजह से भी कई बार शरीर के अंदर बीमारी आ जाती है और पता नहीं चलता है। तो आपको क्या करना है, पहले पानी को बॉईल कर लेना है, उसे ठंडा कर लेना है और उसी पानी को दिन भर उन व्यक्ति को देना है जिसको कि बुखार आया है। इसके साथ में अगर किसी व्यक्ति का बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा है तो उनको फाइबर वाली चीजें देनी है, जैसे मौसमी का सेवन करवाना है, विटामिन सी देना है, नींबू पानी दे सकते हैं, गन्ने का रस दे सकते हैं, तरबूज का रस दे सकते हैं। तो इस तरह से आप खाने पीने पर थोड़ा ध्यान रखेंगे
तो बुखार एक या दो दिन के अंदर ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इस मौसम के अंदर गर्मी पहले से ही रहती है, पित्त दोष हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, और अगर बुखार भी आता है तो शरीर का टेम्परेचर कम नहीं होता है, जिसके कारण तापमान बढ़ता रहता है और कई दिक्कत होने लगती है। हाथ पैर में तो दर्द रहता ही है, लेकिन सिर के अंदर भी इस प्रकार से बुखार कई बार चढ़ जाती है। तो अगर आपको इस प्रकार से बचना है तो ठंडी पट्टी सिर पर रखनी है और फल फ्रूट का सेवन करना है जो कि फाइबर युक्त हो। आपको विटामिन सी जरूर लेना है, परहेज आपको जरूर करना है, हरी आइटम आपको कुछ भी नहीं खाना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, ठंडी चीजों से दूरी बनानी है, अचार का सेवन नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा परहेज भी करेंगे तो बुखार में जो इम्यूनिटी सिस्टम काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है वह फिर बिल्कुल सही होने लगेगा और तीनों ही दोष पूरी तरह से संतुलन में आ जाएंगे। तो अगर आपको बुखार गर्मी में बिल्कुल नहीं उतर रहा है या आपको बार बार बुखार आ रहा है तो इन रेमेडी को आप अप्लाई करिए, आपकी बुखार जड़ से बिल्कुल सही हो जाएगी। एक या दो खुराक में आप फर्क महसूस करेंगे। लगातार इस रेमेडी को आप तब तक करिए जब तक कि बुखार उतर नहीं जाता। अगर जानकारी कुछ यूजफुल रही है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें, और थ्रोट इन्फेक्शन अगर आपको बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है, एक बार जाकर उनको देखें। मैं प्लेलिस्ट को यहाँ पे कमेंट में पिन कर दूंगी ताकि आप उसे आसानी से देख सके। अरे की सारी रेमेडी 100% इफेक्टिव है, लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।